नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल चार भुजाई मित्र पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके भी कृषि भूमि है तो उसका आप अगर चाहें तो आप कैसे उसे जो अपना आवासीय है उसमें आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसकी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो इससे आप अपनी जो कृषि भूमि है उसे आप आवासीय में कन्वर्ट करवा पाएंगे। इससे क्या होता है कि अगर आपकी कृषि भूमि पर मकान बना हुआ है और आप जैसे लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में आपको लोन नहीं मिलता है, क्योंकि वो कृषि भूमि पर लोन नहीं देते, वो एग्रीकल्चर होती है। तो उसे आप किस प्रकार से आप जो कन्वर्ट है उसे आप करवा सकते हैं, और कन्वर्ट की अगर हम बात करें तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन होने वाला है। तो ये आप ई मित्र से अप्लाई कर सकते हैं। इसका मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है, वो आप देख सकते हैं कि ई मित्र से इसे कैसे ऑनलाइन करना है। इसके अलावा मैं आपके साथ में नॉर्मल सी जानकारी शेयर करूंगा कि ई मित्र से आप चाहें तो अपनी कृषि भूमि को आप अपने जो भी रेजिडेंशियल है उसके लिए आप आसानी से कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके जो चार्जेस है और इसका जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म ए नाम से एक फॉर्म आता है। उसके बाद आपको उस फॉर्म के साथ अपना आधार कार्ड जो कृषि भूमि है, और इसमें अगर आप देखें तो आपको अपनी जमाबंदी जो नवीनतम जमाबंदी है वो आपको लगानी है डॉक्यूमेंट में, और उसके साथ में आपको जो मानचित्र है वो आपको लगाना पड़ता है, मतलब आपके भूमि का जो नक्शा है। और इसमें जो लिमिट है वो आप 10,000 स्क्वायर फीट के अंदर अंदर आप इसे कर सकते हैं, तो इससे ज़्यादा में ये नहीं होती है। तो आपको जो अपना कन्वर्जेशन है जो आप कन्वर्ट करवा रहे हैं जिस भूखंड को, तो वो आप सिर्फ 10,000 से अंदर ही आप स्क्वायर फीट में करवा सकते हैं। और इसके अलावा इसके जो चार्जेस हैं वो 5 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट है और अलग अलग टाइप में लगते हैं। इसमें अगर आप देखें तो ST SC और इस टाइप की जो कास्ट है उसका भी थोड़ा चार्जेस पर प्रभाव रहता है। और इसके अलावा जो हाईवे से जो दूरी है आपकी जो मुख्य सड़क है उनसे जो दूरी है उससे भी थोड़ा प्रभाव रहता है, जिस कारण कि इसमें जो रेट है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप भी लोन लेने के लिए सोच रहे हैं और आपकी जो भूमि है वो कृषि भूमि है तो आप उस पर खर्चा करके आप चाहें तो उसे आवासीय में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो अपनी जो भूमि है उसे आप आवासीय में कन्वर्ट कराते हैं जो कृषि भूमि है उससे, तो उससे आपकी जो लैंड है उसकी जो वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर की। तो ये आप प्रोसेस ई मित्र से करवा सकते हैं। इसमें आप जैसे फॉर्म लगाते हैं आपके पास 5% चालान का एक वापस से आपको फॉर्म मिलता है, उसमें आपको 5% फीस जमा करवानी होती है। उसके बाद में आपके वहाँ पर सर्वेक्षण किया जाता है जिसमें पटवारी द्वारा रिपोर्ट की जाती है, तो आप अपने पटवारी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को जो ऑनलाइन है आपको पट्टा जारी कर दिया जाता है, उस पट्टे पर अगर आप चाहें तो लोन या और भी कुछ कार्य है तो वो आप कर सकते हैं, और आपका जो भूखंड है वो एग्रीकल्चर से डायरेक्ट आपका आवासीय कन्वर्ट हो जाएगा। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।